हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे जो गन्ने का जूस होता है, वो गन्ने का जूस हमारी हेल्थ पर कितना फायदेकारक होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक ग्लास गन्ने का जूस जो होता है, उसमें ढेर सारी कैलोरीज पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और ढेर सारा मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, और साथ ही साथ इसमें वो पाए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट, और फैट बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई कोलेस्ट्रॉल वाला पेशेंट होगा या फिर ओबेस पर्सन होगा, तो इसमें क्या होता है, उसके जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो लेवल रहता है, इसमें कोई कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है। ओके, बाकी के जो सारे कंटेंट्स होते हैं, वो सारे कंटेंट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पर काम करते हैं, तो इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। सबसे पहला जो फायदा होता है, वो होता है हमारे एनर्जी बूस्टर। तो यहाँ पर क्या होता है कि गर्मियों के सीजन में अगर हम एनर्जी लो फील करते हैं, तो यहाँ पर हम कोई ना कोई एनर्जी ड्रिंक पी लेते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से लो फील करते हैं या फिर आपको डिहाइड्रेटेड होते हैं, तो अगर आप एक ग्लास गन्ने का जूस पीते हैं, तो आपको इंस्टेंट एनर्जी आएगी। जो भी आप एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, उसकी जगह अगर आप एक गन्ने का जूस पीते हैं, तो आपको भी इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। ऐसा क्यों होता है कि ये जो गन्ने का जूस होता है, उसमें होती है शुगर, और ये जो शुगर होती है वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है हमारे इंटेस्टाइन में से, और सीधे ब्लड में मिक्स हो जाती है, तो इसकी वजह से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। ओके, और ये दूसरा काम क्या करता है कि होता है कि ढेर सारे मिनरल्स होते हैं, और वो मिनरल्स क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बेलेंस को बैलेंस में रखते हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो बॉडी फ्लूइड होगा वो भी मेंटेन रहेगा, और इसकी वजह से हमें इंस्टेंट एनर्जी और हमें एक्टिवनेस हमें फील होगी। तो बात करते हैं दूसरे फायदे के बारे में। जो गन्ने का जूस होता है, वो दूसरा फायदा करता है कि हमारे किडनी के फंक्शन को वो इम्प्रूव कर देता है। कैसे कि एक ग्लास गन्ने के जूस में हमने आगे बात करी थी कि पोटेशियम बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। ओके, तो ये जो पोटेशियम होता है वो क्या काम करता है हमारी किडनी में, वो हमारी किडनी में डायूरेटिक्स का काम करता है। डायूरेटिक्स का मतलब क्या होता है कि आपकी किडनी बहुत ज़्यादा इसकी वजह से काम करने लगेगी, और ये जो पेशाब का जो फॉर्मेशन करती है वो भी ज़्यादा होगा, और उसका निकल भी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि ये जो काम होता है वो जल्दी जल्दी से होने लगता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो वेस्टेज प्रोडक्ट होती है, जैसे कि यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, और भी कई सारे वेस्टेज प्रोडक्ट होते हैं, वो जल्दी से जल्दी हमारी बॉडी से निकल देती है। तो दोस्तों, बात करते हैं तीसरे फायदे के बारे में। तीसरा जो फायदा होता है वो हमारे डाइजेशन के ऊपर होता है, यानी कि हमारी जो पाचन तंत्र होता है उस पर बहुत ही अच्छी तरीके से गन्ने का जूस रिएक्ट करता है। वो कैसे, क्योंकि जो गन्ने का जूस होता है वो अल्कलाइन नेचर होता है, वो बेसिक नेचर होता है, और सामने क्या होता है कि जो स्टमक होता है उसमें एसिड पाया जाता है। तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है या फिर आपके स्टमक में अल्सर फॉर्म हो जाता है, तो इसके लिए आपको गन्ने का जूस बहुत ही फायदेकारक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अल्कलाइन होता है, वो बेसिक इन नेचर होता है। और साथ ही साथ गन्ने का जूस जो होता है वो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम को भी सिक्रीट करने का काम करता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो गैस्ट्रिक जूस होता है या फिर पैंक्रियाटिक जूस होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वो सिक्रीट होता है, और इसकी वजह से हमारा जो खाना होता है वो बहुत जल्द पच जाता है, और इसकी वजह से हमारे जो पूरी की पूरी पाचन तंत्र होता है, वो पाचन तंत्र हमारा हेल्दी रहता है। दोस्तों, बात करते हैं अगले फायदे के बारे में। जो अगला फायदा होता है वो हमारे लीवर के ऊपर फायदा होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा जो गन्ने का जूस होता है उसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, और ये जो एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करता है कि हमारे लीवर को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो लीवर होता है उसमें से जो बिलीरुबिन सीक्रेट होता है, वो सीक्रेशन का जो लेवल होता है उसको भी वो कंट्रोल करता है। इसके लिए डॉक्टर आपको जॉन्डिस में, यानी कि जो पीलिया होता है उसमें आपको गन्ने का जूस पीना चाहिए, वो कोई भी डॉक्टर गन्ने का जूस पीने की सलाह देंगे जॉन्डिस वाले केस में, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर बिलीरुबिन तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे बॉडी में, और साथ ही साथ क्या होता है कि जो हमारा प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है हमारे लीवर के अंदर, वो भी बढ़ जाता है। तो अगर आप गन्ने का जूस पीते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो प्रोटीन ब्रेकडाउन होने वाला होता है वो रुक जाएगा, और बिलीरुबिन का जो लेवल होता है वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। तो अगला जो फायदा होता है वो हमारे बोन्स के ऊपर करता है। बोन्स के ऊपर क्यों इससे करता है कि हमने आगे बात करी थी कि एक ग्लास गन्ने के जूस में ढेर सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, उसमें से होता है कैल्शियम और फॉस्फोरस बहुत ज़्यादा ही पाया जाता है। तो ये जो कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है वो हमारे बोन्स पर बहुत ही अच्छी तरीके से फायदे होते हैं, क्योंकि हमारा जो बोन्स होता है वो हमारे कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना हुआ होता है। तो अगर आप गन्ने का जूस पीते हैं, तो इसकी वजह से आपके बोन मजबूत होंगे, और उसमें कोई भी बोन से रिलेटेड जो भी डिजीज होगा वो होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। तो अगला जो फायदा होता है वो हमारी स्किन के ऊपर करता है। स्किन के ऊपर कैसे करता है कि हमने आगे बात करी थी कि एक गन्ने का जूस होता है उसमें
ग्लाइकोलिक एसिड होता है ओके। और ये एसिड का काम क्या होता है, हमारे सेल्स को टर्नओवर करने का काम करता है, यानी कि पुराने सेल्स को ख़त्म कर देता है और नए सेल्स को वो इम्प्रूवमेंट करता है, उसकी ग्रोथ करता है और उसको न्यूट्रिशाइज करता है। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी स्किन के ऊपर नए नए सेल्स आएंगे और हमारी स्किन जो होगी पूरी तरीके से मॉइस्चराइज होंगी और साथ ही साथ हमारी स्किन में नए ग्लो आएगा। और साथ ही साथ अगर आपको पिंपल्स होते हैं वो, तो पिंपल्स को भी वो होने से रोकेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात करी कि एक गिलास गन्ने का जूस हमारी हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल होता है और उसके कुछ फ़ायदे के बारे में हमने बात करी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप ऐसे हेल्थ नॉलेज से रिलेटेड वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। थैंक यू।